ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन पोटेंशियल पे कि अगर आपका पोटेंशियल 4x स्क्वायर है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस कोऑर्डिनेट पे। अब मैंने आपको सिखाया था वी से ई कैसे निकलता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप। तो आप यहाँ पर वी की वैल्यू पुट करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और एंड में एक्स कोऑर्डिनेट को क्या पुट करेंगे, 1, क्योंकि वाई और जेड पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो आप एंड में इसको 1 पुट करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, -8 आई कैप। -8 आई कैप का मतलब 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? ठीक, कोई डाउट इसमें? दूसरे क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स वाई जेड में, और बहुत ही बड़ा गिवन है, ठीक, इतना बड़ा गिवन है, एक्स वाई जेड में गिवन है। आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फोर्स बतानी है 2 कूलम चार्ज पे। फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। अगर आप मुझे वी देख के ई की वैल्यू बता दें कहाँ पे, ओरिजिन पे, आप इसे पार्शियल डेरिवेटिव से करेंगे सॉल्व, ई आएगा। उस ई में एक्स वाई जेड को 0 0 0 पुट करेंगे क्योंकि ओरिजिन है, फिर ई की वैल्यू आएगी, फिर क्यू इंटू ई करके फोर्स आएगी। पहले ई निकाल लेते हैं। ई की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला क्लियर है, इस फॉर्मूले में आप यहाँ पर वी की वैल्यू को पुट करें, ठीक। तो मैंने ना अलग अलग सॉल्व कर दिया इसे थोड़ा सा, कैसे, क्योंकि बड़ा मेरा ना शीट ख़त्म हो रही थी तो मैंने 3 पार्ट्स में सॉल्व किया। कैसे, पहले मैंने बस ये सॉल्व किया अलग, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप बस, फिर मैंने किया माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप बस, फिर मैंने किया माइनस डी वी बाई डी जेड के कैप बस, अलग अलग, फिर तीनों को ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। तो इसमें मैंने क्या किया, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप, वी की वैल्यू को पुट कर दिया। इसको पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं सिखाया था, कैसे सिखाया था, जब क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 6, माइनस मल्टीप्लाई करके -6 हो जाएगा। फिर इसे करेंगे तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 8 कॉन्स्टेंट है, डी एक्स बाई डी एक्स क्या है, 1, तो जब इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -8 वाई स्क्वायर, माइनस माइनस इसे क्या कर देगा, प्लस, ये प्लस आएगा तो ये टर्म आएगी। तो क्योंकि सब कुछ ओरिजिन पे हो रहा है, ओरिजिन पे एक्स और वाई 0 है, एंड में वाई को 0 पुट कर दिया, आपकी ई एक्स की वैल्यू सिर्फ -6 आई कैप आ गई, बात खत्म। ठीक, समझ में आ रहा है पार्शियल कैसे करते हैं। फिर मैंने अपना ये फिर से स्टार्ट किया वाई के लिए, वाई के लिए मैंने वी की फिर से वैल्यू पुट कर दी, लेकिन इस बार जे कैप में है। तो अब बेसिकली मैंने क्या किया, जब इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको फ़ायदा नहीं है पार्शियल में, y के साथ डिफ्रेंसिएशन तो x तो कांस्टेंट है, तो इसको जब किया तो -8x तो आना ही आना है, -8x तो आएगा ही आएगा, कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2y है ना, ये 2y, तो यहाँ पर आना चाहिए था -16y। चलो दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से एक बार इसको करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि 6 और x तो कांस्टेंट है, y के लिए पार्शियल है। फिर मैंने पहले इसको कर दिया, कोई बात नहीं, इसको कर दिया तो इसको किया तो -8 आ गया, और जब मैंने इसको किया तो -8x तो कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर की 2y मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। फिर इसको किया तो 6z आ गया, इसको फ़ायदा नहीं क्योंकि y के साथ डिफ्रेंशिएशन z का तो 0 ही होगा, पर इन दी एंड फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ओरिजिन पे सब कुछ हो रहा है, एक्स वाई जेड 0 पुट कर दिया, एक्स और वाई जेड 0, ये वैसी टर्म उड़ गई, तो क्या बचा, 8j कैप बच गया बस। फिर मैंने फिर किसके लिए किया, मैंने z के लिए सॉल्व किया, फिर z के लिए सॉल्व करके इसका 0, इसका 0, इसका 0, इनको डिफ्रेंशिएट करके ये आंसर आया, एक्स वाई जेड को 0 पुट किया तो ई जेड का तो 0 ही आ गया। फिर तीनों वैल्यूज को इकट्ठा किया, फिर उनका मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड 10 आया, फिर क्यू इंटू ई करके आंसर आया। बहुत लंबा था, मैं खुद थक गया था इसको करके, पर समझ सकते हो आपको करना पड़ेगा, आप कह नहीं सकते मैं आप थक गए, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे फॉर्म में आया हुआ है मेन्स और नीट में, पुराने पेपर में खोल के देख लें, इतना बड़ा तो नहीं आया, छोटा सा एक्स और वाई और जेड में पूछा गया है, तो इतना पूछा गया है कि पेज सफिशिएंट था और आप 2 मिनट में कर भी सकते हैं। आइडिया क्लियर है कैसे करना है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ये गिवन है वी वर्सेज एक्स का ग्राफ है, आपको इसमें ये बताना है किस रीजन में ई बराबर है, बड़ा है, छोटा है। मैंने आपको आज एक रिजल्ट करवाया था कि अगर आप v पोटेंशियल और x की स्लोप लें तो क्या आएगी, dv बाई डी एक्स, और स्लोप क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू e, तो e इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। तो रीजन नंबर 1 में स्लोप 0 है तो यहां पर e की वैल्यू 0 है, रीजन नंबर 3 में भी e
जीरो है। रीजन नंबर फाइव दिख नहीं रहा, पर ये फाइव है, ई फाइव की वैल्यू भी जीरो है, तो यहीं से पता लग रहा है यार ये आंसर, और चेक तो क्या ही करेंगे। हो गया डन, तीनों वैल्यूज ही बराबर है, जीरो 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 आंसर आ गया, डन। स्लोप से कैलकुलेट हो गया, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में, ऐसा क्वेश्चन का रिजल्ट हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर में किया था, फिर यूज करेंगे आज। कैसे? फिगर शोज अ चार्ज्ड कंडक्टर। देखो ये कंडक्टर है, लोहे का बना हुआ है, मान लो कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर की जो शेप है कहीं थोड़ी टाइट है, कहीं खुली है सरफेस। मैंने आपको ये बताया था कि सिग्मा बराबर नहीं होता, जहां भी ये थोड़ी कर्व छोटा है तो वहां रेडियस छोटा है, वहां एरिया छोटा है, तो वहां सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। जब एरिया की वैल्यू छोटी है तो सिग्मा बड़ा है। तो मैंने बताया था शार्प एंड जहां पर होते हैं वहां सिग्मा बड़ा होता है, और जहां खुले एंड्स हैं, खुली सरफेस है, वहां सिग्मा कम होता है। ये पॉइंट क्लियर है, किया था हमने। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी पॉइंट पर सिग्मा आपको गिवन है, पी पॉइंट पर सिग्मा की वैल्यू सिग्मा गिवन है, और वो ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, इसके नियर अबाउट पॉइंट, किसके पास कोई पॉइंट पे सिग्मा गिवन है, ई गिवन है, और यहां पोटेंशियल भी वी गिवन है, मतलब इसके सरफेस के बिल्कुल पास सिग्मा ई वी गिवन है। कह रहे क्यूब पॉइंट पर, जो पॉइंट राइट साइड पे है, उस पे सिग्मा की वैल्यू इससे ज्यादा होगी कि कम होगी, क्योंकि एरिया यहां पर ज्यादा है तो सिग्मा यहां पर कम है। ठीक है, तो एक आंसर पक्का है कि लेस देन सिग्मा, क्लियर है। फिर क्योंकि सिग्मा कम है, आपको याद है कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर रिजल्ट किया था, फॉर्मूला बुकलेट में नोट भी किया था, किसी कंडक्टर के पास सरफेस के ई का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो अगर सिग्मा यहां पर कम है तो समझो ई की वैल्यू भी यहां पर कम है, तो ई लेस देन ई, क्लियर है। मैंने एक चीज लिखवाई आपको या बोली मैंने आपको, नहीं बोली तो सुन लो, कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर लोहे का कोई भी कंडक्टर है, उसका सरफेस चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, किसी भी कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए चार्ज्ड कंडक्टर लिख देता हूं, चार्ज्ड कंडक्टर के लिए V इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो चार्ज कंडक्टर कैसे एक्ट करता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे, लेकिन अभी आप लिख सकते हैं कि चार्ज कंडक्टर जो होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। आप जहां मर्जी V निकाल लें, V की वैल्यू हर पॉइंट पर छोटी बड़ी भी क्या आएगी? सेम आएगी। तो इसका मतलब V की वैल्यू P की भी V है, Q की भी V है, ना बड़ी ना छोटी। आंसर नंबर डी मार्क करना है। समझ में आ रहा है यहां तक? कैसे चेक करना है? तो V की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी, कॉम्पिटिशन में भी, जो प्रॉपर्टी चेक करता है। क्या स्टूडेंट को पता है कि किसी कंडक्टर का V कॉन्स्टेंट है, वो छोट जो है टेढ़ी मेढ़ी आपको कोई वॉल्यूम दे देगा, पर आपको याद होना चाहिए अगर वो कंडक्टर है तो V तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, बात खत्म। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो नेक्स्ट फोर के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, ये हमने कर लिया था, देखते ही पता लग रहा है माइनस एक्स फाइव प्लस को, यही करवाया था एक्चुअली ताकि आपका क्वेश्चन अटके ना, क्या हुआ है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव क्या हुआ है? आज के रिवीजन शीट में भी करवाया था, अगर ई वेक्टर गिवन है एक्स एक्सिस पे तो ई वेक्टर डॉट डी एक्स डीएक्स एक्स नॉट आई कैप डॉट प्रोडक्ट लेके आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये लाइनें गिवन है, ठीक है, ये लाइंस क्या शो कर रही है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ई शो कर रही है। आपको कुछ ना पॉइंट्स गिवन है, सी बी ए डी, आप चेक कर सकते हो, ये कुछ पॉइंट्स आपको इसमें मेंशनड है। आपको ये बताना है कि किस पे पोटेंशियल ज्यादा है, किस पे कम है। तो रूल नंबर वन कि इसके ऊपर अगर मैं एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जो सी में से पास हो रही है, एक लाइन डी में से पास करो, एक बी में से करो और एक ए में से करो, ये सारी लाइंस क्या कहलाई जाएंगी? इक्वी पोटेंशियल लाइंस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे लाइन हमेशा क्या कहलाती है? इक्वी पोटेंशियल कहलाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इक्वी पोटेंशियल है, तो यानी कि इस लाइन पर पोटेंशियल सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है। अब शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? नीचे की तरफ है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे आपका पोटेंशियल घटेगा। तो जब आप यहां से स्टार्ट हुए थे, सबसे पहली लाइन आई ये वाली जिसके ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है? ए।
सबसे बड़ा पोटेंशियल ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का, और नहीं, पहले ए का बड़ा, फिर बी का छोटा, फिर डी का छोटा, फिर सी का और भी छोटा। सीक्वेंस मार्क कर लेना, सबसे बड़ा ए का, बी का, डी का और सी का आंसर। क्योंकि आप जो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरफ मूव करना शुरू करो, जिस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरफ जाओगे पोटेंशियल घटता जाएगा, तो जो आखिरी में पॉइंट आएगा उसका पोटेंशियल सबसे कमजोर होगा। तो प्रॉपर्टी क्लियर है यहाँ तक ये वाली भी? ठीक। सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन किया हुआ है ये ना, क्वेश्चन नंबर एट किया हुआ है। ठीक, क्लोज हो गया। नेक्स्ट शीट नंबर 10, 10 नंबर शीट में क्वेश्चन नंबर 1 हैंड रिटन में किया हुआ है, बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये रहा, और वर्क डन निकालना है किसी चार्ज को मूव करवाने का डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस 4 है। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं चार्ज को यहां लेके जा रहा हूं 2 मीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो मेरे को वर्क डन की वैल्यू गिवन है। वर्क डन होता क्या है? एफ डिस्प्लेसमेंट कॉस 60। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स क्या फोर्स क्या होता है? क्यूई। आपको वर्क डन गिवन है, चार्ज गिवन है, ई निकालना है, डिस्टेंस 2 मीटर गिवन है, कॉस 60 पता है, ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कैसे करना है? जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे कल टेस्ट में, बता रहा हूं, सेम आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, पर फिगर्स के साथ पोटेंशियल निकालना आएगा। जैसे कैपिटल क्यू 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 चार्ज है, चार कॉर्नर्स पे पड़ा हुआ है, आपको क्या करना है? वर्क डन निकालना है इन रिमूविंग अ चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम सेंटर टू इन्फिनिटी। तो ये सेंटर का पॉइंट है और ये इन्फिनिटी है, तो आप इस माइनस क्यू को उठा के इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे। तो वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज माइनस क्यू इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज सेंटर से इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी फाइनल और सी इनिशियल। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो वर्क डन की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगी। सही है यहां तक? अब सी पॉइंट का पोटेंशियल कौन लगाएगा? ये चार चार्जेस लगाएंगे। कितना लगाएंगे? सी पॉइंट का पोटेंशियल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? ए बाय रूट टू, और कितने चार्जेस हैं? 4। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 4। तो इस VC को उठा के पुट करके ऑब्जेक्टिव ऑप्शन मार्क कर लेना। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? तो पहले VC निकाल लेना है, फिर चार्ज इनटू पोटेंशियल से आंसर आ जाएगा। डेफिनेशन मैंने बता दी कैसे करनी है यूज, मुझे पता नहीं क्या आंसर पीछे लिखा होगा, सही होगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि कैसे सोच रहे हैं इसमें? जैसे इस क्वेश्चन के बाद मिलता जुलता क्वेश्चन है, फिर से वैल्यूज के साथ है। वो कह रहा है फिर से चार चार्जेस हैं, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे पड़े हुए हैं, पोटेंशियल इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पे निकालो, सेंटर पे निकालो। अभी किया मैंने, एक चार्ज क्या पोटेंशियल लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए बाई रूट टू। ऐसे कितने चार्जेस हैं? 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना आंसर। ठीक है यहां तक? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुल मिला के इसमें 3 चार्जेस गिवन है, एक माइनस क्यू 2 क्यू, इक्विलेटरल ट्राइंगल के पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि फील्ड एट सेंटर इज 0, सेंटर के ऊपर वो कह रहे हैं कि फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? 0, और पोटेंशियल नॉन 0। आपको बताना है कि क्या चीज 0 होगी और क्या चीज 0 नहीं होगी। जैसे यहां पे सेंटर पे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिमेट्रिकल फिगर के सेंटर में क्या होती है? 0। हाँ या ना? मैंने करवाया था, लेकिन एक कंडीशन थी, चार्ज बराबर होने चाहिए, क्यू क्यू एंड क्यू, तब 0। यहाँ पर बराबर नहीं, 2 क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। आप वैसे सोचो कि +1 चार्ज रखो, माइनस क्यू चार्ज +1 को अपनी तरफ ई लगाएगा, माइनस क्यू +1 को अपनी तरफ ई लगाएगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये 3 वेक्टर सम नीचे जाएगा, आपस में वेक्टर कैंसिल नहीं करेंगे, तो नेट ई 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें। समझ में आ रहा है कि सेंटर पे इसमें ई 0 नहीं होगा। आप चेक करके देख लो, नेट वेक्टर्स आपस में कैंसिल करेंगे ही नहीं। लेकिन पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करोगे तो
तो पोटेंशियल की वैल्यू में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर पोटेंशियल, ये भी क्या लगाएगा माइनस क्यू बाय आर, लेकिन ये क्या लगाएगा 2 क्यू बाय आर, इन्हें ऐड करें नेट आंसर जीरो। पोटेंशियल यहां पे जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल इज अ स्केलर, बिना वेक्टर के वैल्यू वैल्यू से चेक हो जाने। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, प्लस वन रख के सारे वेक्टर अगर आपस में कैंसिल नहीं कर रहे तो नॉन जीरो है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 12 और -6 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये रहा बना लिया। देयर विल बी अ पॉइंट पी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेस एंड आउटसाइड द रीजन बिटवीन देम, कह रहे कि इनके बीच में पॉइंट ले लेना, नहीं लेना, इधर या इधर लेना है। कहां कहां लेना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां भी लेना है उस पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, जीरो है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम -6 माइक्रोकूलम क्या होगा? ये -6 है, -6 से ये पॉइंट कितना है एक्स है, तो एक्स मुझे निकालना है। एक्स पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है। अब एक चीज देखो, कौन लगाएगा पोटेंशियल? -6 और 12 लगाएगा। -6 क्या लगाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -6 इंटू 10 की पावर -6 बाय एक्स इंटू 10 की पावर -2। और 12 क्या लगाएगा? 12 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स इंटू 10 की पावर -2। तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा? जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स निकाल लेना। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? -6 से पूछा मतलब 12 टॉप के क्यों जाएंगे, -6 के पास ही जाएंगे। -6 से निकाल रहे तो लेफ्ट ही होगा, क्यों होगा कोई राइट? हाँ है तरीका, 20 सेंटीमीटर से ऊपर डिस्टेंस आएगा। हाँ तो तीन ऑप्शन तो वैसे इलिमिनेट करे बैठे हो। ठीक, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, स्फेरिकल शेल हमने नहीं किए, छोड़ दो ऐसे अभी। क्वेश्चन नंबर वो तो हो इसलिए गया ना क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेवन क्वेश्चन देख लो, मिलते जुलते क्वेश्चन आने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ नंबर कटवा बैठोगे, यही फील करते रहोगे कल, वो देखे लगते हैं, अरे ये भी देखे लगते हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लो आज का लेक्चर, नंबर आएंगे मैं बता रहा हूँ, नंबर नहीं आएंगे, बस देखे लगते हैं करते रहोगे, फिगर देख देखे ओ यार ये कल वाली थी, मैं पढ़ लेता तो यार ये भी छोड़ दिया मैंने। ठीक है, देखो दो पॉइंट चार्जेस हैं 100 और 5, 100 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, कहां पर? एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर है इनके बीच में डिस्टेंस। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम बी टू सी, तो कह रहे मुझे वर्क डन कैलकुलेट करके बताओ, इस 5 माइक्रोकूलम को उठा के यहां से यहां प्लेस करना है। तो इसका मतलब कि अगर 5 माइक्रोकूलम को यहां से यहां प्लेस करना है तो 5 माइक्रोकूलम पोटेंशियल में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये एक टेस्ट चार्ज है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोकूलम इस पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तुम चार्ज को कहां से कहां रख रहे हो? बी से सी, तो सी आपका फाइनल पॉइंट है, बी आपका इनिशियल पॉइंट है, तो वी सी माइनस वी बी। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? इसको मल्टीप्लाई करके वी सी वी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल लगाएगा कौन? सिर्फ ये लगाएगा, क्योंकि ये तो मूविंग चार्ज है, तो ये कितना लगाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100 इंटू 10 की पावर -6 बाय 0.40। ऐसी सी पॉइंट पे पोटेंशियल कौन लगाएगा? फिर 100 ही लगाएगा। कितना लगाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100 इंटू 10 की पावर -6 बाय 0.5, ये रहा। तो ये चार्ज यहाँ पोटेंशियल लगाएगा, ये चार्ज यहाँ पोटेंशियल लगाएगा, वी बी वी सी आ गया, पुट कर लेना, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो 5 माइक्रोकूलम का कोई रोल नहीं है, वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? तो जिस चार्ज को उठा के रखना है वो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये तो किया हुआ है कि वर्क डन निकालना है बी से ए करने का, आज रिवाइज भी करवाया था, सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में चार्ज माइनस क्यू एंड चार्ज प्लस क्यू आर केप्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी,
ए और बी पे माइनस क्यू क्यू ये रहा। अब वो कह रहा है कीपिंग द चार्ज प्लस क्यू फिक्स्ड, ये लो प्लस क्यू को मैंने क्या कर लिया फिक्स, माइनस क्यू चार्ज को मूव कर दिया टू पॉइंट सी विच इज अगेन एट अ डिस्टेंस ऑफ इक्विलेटरल साइड एल। तो इस चार्ज को उठाया ए से सी पे रख दिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना लगा। अब ये तो मूव कर रहा है चार्ज, पोटेंशियल तो लगाएगा नहीं, कौन लगाएगा, ये लगाएगा। तो क्यू चार्ज यहां पर कितना पोटेंशियल लगाएगा ए पॉइंट पर, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एल। और क्यू चार्ज सी पे भी पोटेंशियल लगाएगा एग्जैक्टली सेम, इसका मतलब वी ए एंड वी सी का पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों का, जीरो। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी क्या आएगा, जीरो। समझ में आ रहा है यहां तक, आधे आंसर तो जीरो बैठते हैं इसमें कि पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक, नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर टेन, वो कह रहा है एक चार्ज है, ये रहा वो चार्ज स्मॉल क्यू, सराउंडेड बाय छह चार्जेस के आसपास घिरा हुआ है। हाउ मच वर्क इज डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, जबकि हम वर्क डन किसका निकालते हैं, एक्सटर्नल का। अगर मैं डेफिनेशन यूज करता हूं ना पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वह एक्सटर्नल वर्क डन है, पर उसने वर्क डन किसका पूछा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो मैं अपना वर्क डन निकाल लेता हूं, एंड में माइनस लगा दूंगा। तो क्या करना है, एक चार्ज क्यू को सेंटर से उठा के इंफिनिटी पे रखना है, इसका वर्क डन। तो मैंने क्या करना है, वर्क डन एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू, क्योंकि क्यू चार्ज को रखना है, इस पोटेंशियल का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इंफिनिटी है यहां पर, सही है। इंफिनिटी का वर्क डन जीरो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या आएगा, क्यू इनटू पोटेंशियल एट वी नॉट। लेकिन वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या आएगा, इसको क्या कर देना है, प्लस, माइनस का प्लस कर दिया इसमें। ठीक है, यहां तक उल्टा हो गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ है, वी नॉट की वैल्यू, ये छह चार्जेस कितना पोटेंशियल लगाएंगे, 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, एक चार्ज पोटेंशियल लगाएगा, 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, पुट कर लेना आंसर। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें, तो कैसे सोचना है, क्लियर एकदम। 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11th, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर पहली बार करो तो होगा नहीं, होगा तो अब भी नहीं, पर लेकिन समझ जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ किसका है, ई वर्सेस आर का। जब इसको पहली बार किया जाता है क्वेश्चन को, तो प्रॉब्लम पता है क्या है, क्वेश्चन है कि ई वर्सेस आर का ग्राफ है, वर्क डन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कूलम चार्ज के ऊपर, जब चार्ज को कहां से कहां उठा के लेके जा रहे हैं, यहां से यहां। जब एक स्टूडेंट 1,1,0 देखता है, तो वो कोऑर्डिनेट ढूंढता है, 1,1 यहां होगा, और जब ये देखता है 3,0,0, तो वो ये कोऑर्डिनेट देखता है, ऐसे ही है, नहीं देखना, क्यों, क्योंकि y एक्सिस में तो e चल रहा है, और जबकि कोऑर्डिनेट्स तो x y z के होते हैं, मीटर 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 में, इसमें तो ग्राफ ही e और r का गिवन है। तो ये जो ग्राफ है, ये r वेक्टर है, ये इसमें फिट इन होगा ही नहीं, क्योंकि ये ई वर्सेस आर का ग्राफ है। ये कोऑर्डिनेट तब फिट होते हैं जब एक्स वाई और जेड मीटर 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 के पोजीशन बताते हैं, पोजीशंस। अब ये पोजीशन तो बता नहीं सकता, क्योंकि ई वर्सेस आर है। तो हम क्या करेंगे, आर का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो अपने मन में मानेंगे कि इसका मतलब है आर वन वेक्टर 1i कैप प्लस जे कैप 0k कैप, 1i कैप प्लस जे कैप 0k कैप। इसको क्या मानेंगे, 3i कैप 0j कैप 0k कैप। और जब इसका मैग्नीट्यूड आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, √2। आर की वैल्यू क्या आएगी, √2। इसमें आर की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर का √3। यानी कि चार्ज को √2 मीटर से 3 मीटर पे लाया जा रहा है। अब ग्राफ रीड करो, √2 मीटर से 3 मीटर पे लाया जा रहा है। पॉइंट समझ में आया यहां तक, कोऑर्डिनेट से आपको कुछ दिखेगा नहीं इसमें, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो एक्स वाई जेड के थे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब ये पोजीशंस गिवन है, पोजीशन वेक्टर से आर वेक्टर आएगा। यानी कि मेरे चार्ज को
कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, यहां से यहां लेके जा रहे हैं, तो ग्राफ सिर्फ इतना मेरे काम का है बस। मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्राफ के अंडर एरिया निकाल लूंगा। ई और आर का एरिया क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज क्यू। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। जब मैं इसका एरिया निकालूंगा रूट टू से थ्री तक, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा। तो ये मेरा क्या माना जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, या वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कितने चार्ज को कैरी कर रहे हैं, 2 कूलम को, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। ये स्टेप समझ में आया कैसे सोचना है इसे, ठीक। तो ये ट्रिकी प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, बट क्या ट्रिक है समझ में आ रहा है कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पोजिशन सिर्फ ये बता रहा है कि आपको ग्राफ का सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, बाकी नहीं करना रूट टू और थ्री तक, ठीक है यहां तक। कोई डाउट इसमें, इलेवन नंबर शीट, इलेवन नंबर शीट बहुत छोटी है, इक्वी पोटेंशियल की थ्योरी की प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जैसे इक्वी पोटेंशियल्स एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं, तो पॉइंट चार्ज की इक्वी पोटेंशियल सर्फेस क्या बनती है, स्फेयर ही बनती है। इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल मुझे दिखाई देनी चाहिए ग्रेट डिस्टेंस पे, बहुत दूर, मतलब चलो उस स्टूडेंट को दिखाई दे रही है, यहां बनाऊंगा कलेक्शन ऑफ चार्जेस। ये देखो कलेक्शन ऑफ चार्जेस, अब उस स्टूडेंट के लिए कलेक्शन ऑफ चार्जेस अलग अलग नहीं, वगैरह एक ही चार्ज दिख रहा है मेरे को, तो एक पॉइंट चार्ज एक ही है, वो ऐड करके बता देगा, तो ये क्या बनेगा, कहेगा जी स्फेयर बन गया। देखो पॉइंट चार्ज का स्फेयर ही बनना है, अब बहुत दूर से कोई स्टूडेंट देखेगा तो कलेक्शन ऑफ चार्जेस एक ही चार्ज नजर आएगा, फार अवे डिस्टेंस में दूर दूर पड़े हुए चार्ज भी एक ही हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो बनने फेयर ही है यार पॉइंट चार्ज, बात ही खत्म हो गई, सोचना गया इसमें। पॉइंट चार्ज ही किया है, अब फिगर देनी चाहिए थी, फिर कुछ तो बोले, अभी क्योंकि पोटेंशियल पूछी जाएगा तो अब अपनी मर्जी से कुछ भी सोच लेगा तो ये तो गलत हो जाएगा ना। देखो हमने पॉइंट चार्ज ही पढ़े हैं बस, तो पॉइंट चार्ज ही होगा, होती होगी कुछ और, हमने किया ही नहीं कुछ। इसमें कुछ इक्वी पोटेंशियल लाइंस गिवन है, देखो तीन फिगर्स गिवन है इसमें, ध्यान देखो तीन फिगर्स गिवन है, देखो इधर, तो ये इक्वी पोटेंशियल लाइंस हैं। ए जो पॉइंट है वो किस इक्वी पोटेंशियल लाइन पे है, 20, और बी पॉइंट 40 पे। इसमें ए पॉइंट 20 पे, बी पॉइंट 40 पे, ए पॉइंट 20 पे, बी पॉइंट 40 पे। तो तीनों फिगर्स में ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली सेम। तो अगर मैं किसी चार्ज को ए से बी पे लेके जाऊं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन भी चेंज नहीं हो रहा, तो सभी में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, सेम। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, 3 में क्या है, सपोज ध्यान ध्यान दो इधर, ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज इस बाउंड्री के ऊपर पोटेंशियल क्या लगाएगा, हर तरफ से सेम। तो मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का, सी और डी और ई का पोटेंशियल क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, इक्विडिस्टेंट है। वो कह रहे हैं अगर मैं चार्ज को ए से बी पे ले आया, या मैं ए से सी पे ले आया, या मैं ए से डी पे ले आया, या मैं ए से ई पे ले आया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हर वक्त जीरो, क्योंकि ए का, बी का, सी का, डी का, ई का पोटेंशियल तो सेम ही है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या रहेगी, सब में जीरो, आंसर इज जीरो, ज्यादातर जीरो ही आता है, मैंने बोला एक भी पोटेंशियल में। अब ये मत करना टेस्ट में देखते सर ने कहा था जीरो, उठा के सारे पहले तो जीरो ढूंढ ले, जीरो 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 जीरो, चार नंबर तो बटोरे। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, वैसे आता जीरो ही है सच में, बैटरी में जीरो ही आता है। एक भी पोटेंशियल में वर्क डन मैंने नॉर्मली ज्यादातर में जीरो ही देखा है, तभी तो टेस्ट करेगा एक भी पोटेंशियल है, क्योंकि क्यू चार्ज के दूरी ए और बी से सेम है ना,
पोटेंशियल तो क्यू लगा रहा है ना, ए पे भी वही लगाएगा, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी, ई पे भी, तो बन गया स्फेयर इक्विटेंशियल। और मेरे को इसलिए भी दिख जाता है क्योंकि मैंने 100 बार बोल रखा है क्लास में, तो मेरे को कोई फिगर ऐसे दूर से दिखा भी देगा, मैं स्टेटमेंट के बिना बोल दूंगा आंसर जीरो ही है, क्योंकि मेरे को पता होता है इन फिगर्स में हमेशा जीरो जाता है। इसलिए भी तीसरी बार हिंट दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपने कितने रिटेन कर लिए, डाल दूंगा ठीक है। ये क्वेश्चन हमने हैंड रिटन में कर लिया, वो ई कॉस 120 वाला। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने ट्राई किया था, हुआ हो गया आपको प्लस माइनस की कंफ्यूजन नहीं हुई, ठीक लग गया रूल, सही है। चलो मैं लगाता हूँ, देखो कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है इसमें, सोल्यूशन भी मैंने खुद लिखा लेकिन मैं खुद कन्विंस नहीं, उन्हें कर तो दिया पर लेकिन मज़ा नहीं आया, आंसर भी आया मेरा उस टाइम मेरे दिमाग में क्या आया पता नहीं, पर अब दिमाग में ठीक आएगा जो आएगा। देखो छोटे रास्ते से करता हूँ, ध्यान आगे उधर देखो, ध्यान आगे प्लीज़। ये क्वेश्चन अटक सकता है आपका, क्योंकि सबसे पहली चीज़ इसमें कन्फ्यूजन पता है क्या है, कन्फ्यूजन ये है कि इसमें क्या कह रहे हैं, इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ये ना स्फेयर्स के पार्ट है, स्फेरिकल सरफेस होगी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो यानी कि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। वो कह रहे हैं इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो मैं उल्टा जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैं उल्टा जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना काम किया जबकि हमारे वर्क डन एक्सटर्नल के होते हैं, और ये क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन पे किया, सही किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब यहां पे रखा गया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट भाग गया, ऐसे ही हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चला गया, तो इतना वर्क डन किया। अगर फाइव वन फाइव टू दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस हैं तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसका, आपको सी और ए का, सी का और ए का, एक काम करते हैं क्योंकि ये एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, तो यहां पे और यहां का पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है, सेम है,
तो एक काम करते हैं, इन स्टेट की मैं पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी ए निकालूं, मैं वी बी माइनस वी ए निकालता हूं, आंसर सेम आएगा क्योंकि सी और बी का पोटेंशियल सेम है। तो पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब दूसरा, अब वर्क डन मैं फिर लिख रहा हूं बाय एक्सटर्नल, क्योंकि जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल लगता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज पोटेंशियल डिफरेंस। मैं कहां से कहां जा रहा हूं? मैं ए से बी पे जा रहा हूं, तो यानी कि ये मेरा फाइनल है और ये मेरा इनिशियल है, तो क्या आएगा? वी बी माइनस वी ए, और यही मुझे निकालना है, वी बी माइनस वी ए। मेरे को वर्क डन की वैल्यू क्या गिवन है? मेरे को इतनी वर्क डन गिवन है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो मेरा एक्सटर्नल का वर्क डन क्या होगा? इसके आगे साइन माइनस लगा देते हैं, तो माइनस 6.4 इंटू 10 रिज टू पावर माइनस 19 माइनस माइनस प्लस, सॉल्व करके पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आ जाएगा आंसर। ये ट्रिक है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो वर्क डन एक्सटर्नल इन कैरिंग इलेक्ट्रॉन इज पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे को एक्सटर्नल का वर्क डन नहीं गिवन, मेरे को क्या गिवन है? मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक का गिवन है। सीरियस चल रहा है कुछ? इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन और एक्सटर्नल में नेगेटिव का फर्क है, कोई डाउट इसमें? ठीक, आपको ये गिवन है कि ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एज शोन इन अ फिगर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके अंदर ये मुझे नॉन कंडक्टर लग नहीं रहा क्योंकि अंदर वॉल्यूम में चार्ज नहीं दिया हुआ, सिर्फ सरफेस से निकल रहा है, लाइन सरफेस से निकल रही है। और इसमें मुझे पता नहीं, देखो मेरा एक्सपीरियंस है ऐसी बॉडीज कंडक्टर होती हैं, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था, या सरफेस सरफेस पे है, तो अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है, तो वी की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या रहेगी? सेम। और कंडक्टर के अंदर, आज हम प्रॉपर्टी करेंगे थोड़ी देर में, कंडक्टर के इनसाइड वी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। जैसे एक शेल है ना, शेल की सरफेस पे वी अगर 10-10 वोल्ट है तो उसके अंदर हवा, शेल के अंदर वो किसी भी पॉइंट पर 10 वोल्ट ही होता है, जीरो नहीं होता, आपको कैसे चार्ज तो है नहीं तो भी 10 वोल्ट ही है। तो कोई भी कंडक्टर चाहे वो सॉलिड हो या खाली हो, वी तो कॉन्स्टेंट ही रहना है उस पर, अंदर भी और बाहर भी। तो ये यहाँ पर इसलिए बोला जाता है कि पी जो है वो क्या है? नॉट जीरो है। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर चलो सपोज करो अगर ये कंडक्टर ना होता तो भी वी नॉन जीरो था, वी जीरो होता ही नहीं, वी किसी भी कंडक्टर के नॉन कंडक्टर के अंदर जीरो होता ही नहीं, बात ही खत्म। अगर बॉडी चार्ज है उसके अंदर वी होगा ही होगा, तो इसलिए नॉन जीरो ही मार्क करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताओ कि ये सिग्मा और माइनस सिग्मा गिवन है, ये क्या गिवन है? दो लाइंस गिवन है जिनके ऊपर चार्ज है, कि शीट गिवन है? शीट कैसे दिख रहा है आपको? ये लाइन दिख रहा है, लाइन की शीट देखने में लाइन है, ये शीट, क्योंकि लैम्डा ने गिवन, लाइन होता तो लैम्डा डेंसिटी थी, सिग्मा का मतलब शीट, ये ऐसे ही है, साइड दिख रही है आपको इसकी, ऐसे दिख रहा है बस, तो ये शीट है, कुछ नहीं है, बस शीट से दो ऐसे क्रॉस, हाँ प्लेन्स हैं ऐसे बोल सकते हो, मतलब सिग्मा देखते ही पता लग रहा है कि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन शीट भी हो सकता है। तो इसके अंदर ये देखो, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से निकलती हैं? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस और प्लस से, क्योंकि ये शीट पॉजिटिव है ये शीट नेगेटिव है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, और कहीं ये रूल वॉयल चल ही नहीं रहा, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा लगा रखा है, तो प्लस से माइनस वहां करना है। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस, ए ऑप्शन, इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जो आपकी इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है वो पास होती है, टाइट होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और खुली खुली हो जाती है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो ये बिल्कुल सही है। विल बी मोर क्राउडेड, टाइट हो जाएगी नियर शार्प एंड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के शार्प एंड में ई बढ़ जाता है, क्योंकि सिग्मा बढ़ जाता है, क्योंकि शार्प एंड है, तीखे एंड है, तो ई बढ़ जाएगा, सिग्मा बढ़ जाएगा, तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस स्ट्रॉन्ग ई जहां पर होगा वहां टाइट हो जाएंगे, क्राउडेड हो जाएंगे, सही है।
मोर क्राउडेड नियर रीजन ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटी, सिग्मा जहाँ ज़्यादा होगा ई भी वहाँ ज़्यादा होगा, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस वहाँ पर टाइट पाई जाएंगी, क्राउडेड है, बिल्कुल तीनों तीनों ठीक है, ठीक है यहाँ तक। और ऐसी कंसिडर इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड रीजन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड रीजन में ऊपर की तरफ है, पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, पहली बात तो मैंने गलत बना दिया ये सर्फेस, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो लास्ट टाइम बताया था प्लेन बनता है, प्रॉपर प्लेन बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री पे बननी चाहिए, तो अगर लाइंस यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल का प्लेन 90 डिग्री पे बनेगा। तो वो कह रहे हैं कि मान लो ये जेड एक्सिस है, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, तो तुम कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में ले लो, चाहे एक्स और वाई का कोई भी कोऑर्डिनेट हो, वी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्विपोटेंशियल है ना तो वी सेम रहेगा। तो मल्टीपल ऑप्शन है, वो कह रहे हैं फॉर एनी एक्स फॉर गिवन जेड, गिवन जेड का मतलब फिक्स कर लो जेड, तो इस z को फिक्स करके जहां मर्जी x पे कोऑर्डिनेट पे ले लो v सेम आएगा, करेक्ट है। फॉर नेक्स्ट है फॉर एनी y फॉर गिवन z, तो आप z को फिक्स कर लो और y कोऑर्डिनेट ले लो तो भी v सेम आएगा, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लो फॉर अ गिवन z तो भी v सेम ही आएगा, मतलब वो एक प्लेन की बात कर रहा है, फॉर अ गिवन प्लेन v इज अ कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ये है। तो ये इसका आंसर है। और इसमें लास्ट जो हमारा काम है 12 नंबर शीट है, ठीक, कल का पेपर है यार, पता नहीं लगता ही जाए कुछ, ठीक है, तो इसमें बहुत लंबा काम नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है कि फोर इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू ईच आर प्लेस्ड, देखो इक्वल चार्ज, फोर इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू स्क्वायर के कॉर्नर पे डाल दिए, एक चार्ज है कैपिटल क्यू जिसको इसके एक्सिस पे मूव करवाया गया, आपको वेरिएशन ड्रॉ करनी है पोटेंशियल एनर्जी की सिस्टम की वर्सेस एक्स। मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब ये कैपिटल क्यू चार्ज सेंटर पे होगा तो आप एनर्जी निकालेंगे कैसे, पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी, एक दो तीन चार पाँच छः, कुछ तो आंसर आएगा, आंसर नॉट डिफाइंड तो नहीं होगा। अगर मैंने चार्ज को कैपिटल क्यू को सेंटर पे रखा तो आंसर नॉट डिफाइंड तो नहीं होगा, तो कम से कम ये आंसर तो ना बोलना क्योंकि सेंटर पे नॉट डिफाइंड नहीं है। फिर ये भी मत बोलना क्योंकि कैपिटल क्यू जब सेंटर पे आएगा तो दूरी इन चार्जेस से घट जाएगी, मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, जब दूरी घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो यानी कि मैक्सिमम होगी, ये तो हो नहीं सकता, तो सेंटर के ऊपर एनर्जी मैक्स होगी और स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं सकता क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q1Q2R, तो यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो स्ट्रेट लाइन वैसे ही नहीं है, आंसर नंबर बी हो गया, डन हो गया। तो जब सभी चार्जेस काफ़ी क्लोज होंगे, कैपिटल क्यू सेंटर पे होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेफ्ट और राइट लेके जाओगे तो ये ऑप्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये मेंशनड है कि आपके पास दो चार्जेस है क्यू एंड क्यू और एक स्प्रिंग है, बिल्कुल नेचुरल लेंथ पे है ऐसे, और नेचुरल लेंथ ही उसकी आर है, ये क्यू और क्यू एक दूसरे को रिपेल करते हैं और चार्ज और ये आर खुल जाता है, एक्सपेंशन क्या हो जाती है इसमें आर, तो नई लेंथ क्या होगी, टू आर। अब इसमें जब ये पास थे एनर्जी ज़्यादा थी, जब ये दूर हो गए एनर्जी कम हो गई, एनर्जी थी कितनी पहले 1/4πε0Q³R और बाद में कितनी है 1/4πε0Q³Q2R, एनर्जी घट गई, कहाँ गई, स्प्रिंग के अंदर चली गई, तो जो भी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसकी फॉर्म में आएगी, स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी क्या होती थी, प्लस वन में हाफ की एक्स स्क्वायर। अब इसमें स्प्रिंग एक्सपेंड कितना हुआ, पहले लेंथ क्या थी आर, अब कितनी है टू आर, तो एक्सपेंशन कितनी है, टू आर में से आर गया आर, तो यहाँ पर पुट कर लेना, सॉल्व करके के निकाल लेना, आपको रूट के निकालना है तो रूट के निकाल लेना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल गिव राइज टू इंक्रीज इन स्प्रिंग एनर्जी, ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन, ये नहीं किया। इसके अंदर ये मेंशनड है कि आपके पास दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, ए और माइनस ए और ए पे पड़े हुए हैं, ये रहे क्यू और क्यू, एक और चार्ज है कैपिटल क्यू जिसको इनके सेंटर पे ओरिजिन पे रख दिया, ये सिचुएशन है।
किसी ने जाके कैपिटल क्यू को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया बाय स्मॉल डिस्टेंस एक्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हल्का सा हिला दिया, कितना हिला दिया, बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स, यानी कि अगर आप ये एक्स कर देंगे तो नई दूरी क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स, यहां से क्या हो जाएगी, ए प्लस एक्स, ये सिचुएशन हो गई। तो कह रहे हैं कि जो चेंज इन, जो इस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है। अब चेंज निकालने के लिए पहले एनर्जी होगी क्या, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई ए, क्यू इंटू क्यू बाई ए, क्यू इंटू क्यू बाई टू ए, इसमें क्या होगी, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई ए प्लस एक्स, क्यू इंटू क्यू बाई ए माइनस एक्स, क्यू इंटू क्यू बाई टू ए। चेंज क्या होगा, इन दोनों को उठा के फाइनल में से इनिशियल माइनस, ये तो कट जाएगा, तो ये टर्म आएगी, एलसीएम ये कॉमन आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ना ऐसा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, उसने लिखा अप्रोक्सीमेट अंदाजे से, तो हमारा अंदाजा ये कहता है कि एक्स अगर बहुत छोटा होएगा ए से कैन बी निग्लेक्टेड, हाँ फिर बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इज द आंसर, अंदाजे से, एग्जैक्टली नहीं तो एक्स स्क्वायर ही मार्क करना है। आप ये पूछोगे कि आपका अंदाजा इतना परफेक्ट क्यों है, डिस्टेंस मेंशन फिर तो और भी अच्छा है, फिर अंदाजा नहीं है फिर तो बिल्कुल ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस मेंशन की है तो फिर निगलेक्ट करना बनता ही है, अप्रोक्सीमेटली बोलना, स्मॉल डिस्टेंस बोलना, इशारा है कि भैया निगलेक्ट कर दो, मैं यही नहीं बोल रहा कि एंड में निगलेक्ट कर देना, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो चार्जेस हैं, आर डिस्टेंस अपार्ट है, एनर्जी निकालनी है, पॉइंट चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, चार्ज स्फीयर हैं, उनको तार से जब जोड़ते हैं उनमें स्पार्किंग होती है, चार्ज बॉडी को जोड़ते हैं स्पार्किंग होती है, तो स्पार्किंग के दौरान चार्ज कंजर्व रहता है, याद रखना, एनर्जी लॉस होती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, स्पार्किंग लाइट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। तो इसमें कहेगा कौन सी चीज़ चार्ज जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, आपने क्या लिखना है, चार्ज। ये टॉपिक कैपेसिटर के अंदर आने वाला है, कैपेसिटर में इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करना है, तो अभी याद कर लो, चार्ज कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। और ये स्फीयर का हमने करना नहीं, स्फीयर हमने किया नहीं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किया हमने, एनर्जी कंजर्व करना है इन्फिनिटी टू आर, सेम क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्पेशली ये वाला, मास 1 kg कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 coulomb फॉल्स थ्रू पोटेंशियल ऑफ 1 volt। तो ये चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होती है, एनर्जी। इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, उसकी वेलोसिटी निकाल लो, तो ये जो एनर्जी है इज इक्वल टू 1/2 mv², यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहाँ तक। और लास्ट इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मास m है, चार्ज क्यू है, उसको रिलीज कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE, एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस करेगा QE/m। कह रहे टी समय के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मान लो टी समय पे एनर्जी होगी 1/2 mv², वेलोसिटी क्या होगी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ 0 + at, एक्सेलेरेशन की जगह QE/m, इस वेलोसिटी को उठा के आप यहाँ पे पुट कर दें, मार्क कर लें, आंसर आ जाएगा।